हाँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले ये कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2500 जूल। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कितनी है ये नहीं दे रखी, लेकिन ये दे रखा है यूनिफॉर्म है, ठीक है, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 2500। तो अपने गिवन क्या है बच्चों, अपने को गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 2500 जूल, ठीक है, एक चीज़ ये गिवन है। और जो उसकी वेलोसिटी है या जो उसकी स्पीड है वो कैसी दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। तो अपन एक काम करते हैं, कांस्टेंट तो उसे अपन ले लेते हैं वी, भाई कांस्टेंट है, अपन ने वेरिएबल मतलब एक वी ले लिया कि जो जितनी भी वो स्पीड है ना वो वी है, उसकी वैल्यू कितनी है वो निकल जाएगी अपने पास। इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 kg, मास कितना दे रखा है अपने को बच्चा, मास इक्वल्स टू 50 kg, ठीक है, 50 kg, आई होप दिख रहा होगा आपको, अदरवाइज वर्ड्स को फॉलो करो, मास 50 kg है, ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक बात बताओ, अपने को काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो जहां इसने काइनेटिक एनर्जी दे दी मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काम आने वाला है। तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv². अब बच्चों अपने को काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2500। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया अपने पास में 2500 इक्वल्स टू 1/2, है ना। जो m है, m अपने को कितना दे रखा है, 50 kg दे रखा है ना क्वेश्चन में, गिवन है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है 50 kg, ये आ गया अपने पास में 50 kg, ये दे ही रखा है। और अपने से पूछा है कि वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चा वेलोसिटी को अपन ने कितना माना था, v माना था, तो 1/2 mv² वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों एक बात बताओ, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। तो बच्चों देखो, ये जो गिवन डेटा है मैं इसे हटा रहा हूं एक बार, जो अपने क्वेश्चन में गिवन है ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2500 जूल है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जो मास है वो 50 kg है, मैं इन तीनों डेटा को हटा रहा हूं, क्योंकि अपन ने चीजें सब्स्टिट्यूट कर ली फॉर्मूले के अंदर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2500 ले ली, मास की वैल्यू 50 ले ली, वेलोसिटी वी है। नया समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, भाई क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी 2500 है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 2500 रख दिया, एम की वैल्यू 50 गिवन है, एम की जगह 50 रख दी, और जो वी है वो वी है, इसकी तो अपने को निकालना ही है। तो बच्चों इसे अपन ऊपर लिख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि अपने लिए कैलकुलेट करना आसान रहे। 2500 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 50, जो कि इसका मास है, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। ये एक ही बात है, ऊपर लिख लिया ताकि कैलकुलेशन अपनी थोड़ी कन्वीनियंट हो जाए। तो बच्चा अब क्या करते हैं, 2500 ये चला जाएगा इधर, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 50, ये 50 आ जाएगा नीचे, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा अपने पास में 25 टाइम्स, ठीक है, 25 से 2500 कितना आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे, 100 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना आ गया बच्चा अपने पास में, 100 इक्वल्स टू वी स्क्वायर आ गया। तो एक बात बताओ बच्चा, वी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 100। तो यहाँ से अपने पास में वी की वैल्यू कितनी है बच्चा निकल के, 10, अंडर रूट 100 कितना होता है 10। तो वेलोसिटी कितनी आ गई अपने पास में, 10 m/s, ठीक है, सारा का सारा अपन स्टैंडर्ड में चल रहे थे, तो अपने पास ऐसा यूनिट आई है वेलोसिटी की भी, 10 m/s। ओके, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों अपन ने क्वेश्चन कैसे किया। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, काइनेटिक एनर्जी 2500 है, काइनेटिक एनर्जी अपने को 2500 दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² होता, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे अपन ने कितना पुट कर दिया, 2500। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा था 50 kg, मास अपन ने 50 kg मतलब पुट कर दिया वहां पर, वेलोसिटी पूछा था तो अपन ने वी को वेरिएबल वी मान लिया, है ना, और जो वी की वैल्यू आई वो अपने पास में आ गया आंसर अपना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन इज हैविंग, क्या बात है, गोलियां चल रही है यहां तो, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 500 m/s। एक बुलेट को फायर किया है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 500 m/s। तो एक बार बताओ वेलोसिटी तो कितनी हो गई, 500 m/s। इफ द मास ऑफ बुलेट इज 100 g, मास कितना गिवन है बुलेट का बच्चा, 100 g, ठीक है। तो अपने से इसके अंदर पूछा है कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी की, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², लेकिन अपने को स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करनी होती है, ऐसा ही सिस्टम के हिसाब से वैल्यूज पुट करनी होती है। जो मास है ना बच्चा, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है किलोग्राम के अंदर, जो जितने भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज वगैरह है, यहाँ पे अपन मास की वैल्यू काय में पुट करेंगे, किलोग्राम में, और जो वेलोसिटी है वो पुट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो बच्चा लेकिन अपने को तो गिवन है मास 100 g,
अपने को तो जो मास गिवन है वो तो ग्राम में गिवन है, तो ग्राम से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चा, 1000 से डिवाइड करके। अरे पता है कि नहीं पता, अपने को अगर वेट दे रखा है ग्राम में, उसे अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली अपन 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो मास मैं कहूँ 100 ग्राम है या फिर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 अपॉन में 1000 किलोग्राम, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दो जीरो से दो जीरो तो हट गए और ये आ गया अपने पास में 0.1 किलोग्राम। अब ये सारा हटा रहा हूँ मैं, सिंपली 0.1 किलोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं मास कहूँ 100 ग्राम है या फिर मैं कह दूँ कि 0.1 किलोग्राम है, तो एक ही बात हुई ना। और अपने को जो वैल्यू पुट करनी है वो किलोग्राम में पुट करनी है और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे बच्चा सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं, जो मास है ना उसकी वैल्यू 100 पुट कर देते हैं, जबकि ये जो मास गिवन अपने ग्राम में गिवन है अपने को पुट करना है किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं जरा यहाँ पे। हाफ एम कितना गिवन अपने को बुलेट का, 0.1 किलोग्राम, गिवन तो 100 ग्राम था लेकिन अपन ने उसको कन्वर्ट कर लिया ना 0.1 किलोग्राम में, तो यहाँ पे आ गया 0.1। और वेलोसिटी कितना अपने पास में बचा, अब 500 मीटर पर सेकंड, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय ये 500 का स्क्वायर, ठीक है, 500 का हाफ एम वी की वैल्यू 500 का स्क्वायर, तो कैलकुलेट कर लेना इसे बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास में। ओके और ये पॉइंट की वजह से एक जीरो हट जाएगा डिवाइडेड बाय टू, तो ये शायद तक अपने पास आ जाएगा 12500, 12500, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेना एक बार और आप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चा, आपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बुलेट को फायर किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड है, ये चीज अपने गिवन है। उसके साथ साथ में जो मास है वो कितना दे दिया अपने को, 100 ग्राम, तो जो वेट अपने को दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, लेकिन अपने को वेट कहीं में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो अपने पास जो वेट आ गया वो आ गया 0.1 किलोग्राम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे 0.1 किलोग्राम, क्योंकि अपने को एसआई के हिसाब ऐसे सिस्टम के हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है और जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 500 अपने पास यहां पे गिवन है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 500। ओके चलो बच्चों, अब एक काम करते हैं, दोनों क्वेश्चन को हटा देते हैं, अपन ने कर लिया अब, ताकि जो तीसरा क्वेश्चन है इसे अच्छे से देख पाए ना, इसे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसे थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी वाली फीलिंग आई क्वेश्चन करने के बाद। सर कैसी बातें कर रहे हो, क्वेश्चन करके अगर अच्छी वाली फीलिंग आए तो फिर तो कहना ही क्या, नहीं आएगी आएगी बच्चा आएगी, विश्वास रखो एक ना एक दिन अवश्य आएगी। अच्छा आगे ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ क्या दे रखा है, ए मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 किलोग्राम। तो सबसे पहले देखो बच्चा करना क्या होता है अपने को, फिजिक्स में अगर क्वेश्चंस करने हैं ना तो जो अपने को गिवन डेटा है उसे सबसे पहले लिखना होता है और फिर देखना होता है इनको कौन सा फॉर्मूला लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या दे रखा है, 100 किलोग्राम मास दे रखा है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जो मेरे पास जो मास है ये मैं एक बार लिख लूंगा, मेरे पास कितना दे रखा है 100 किलोग्राम या 100 किलो गिवन, ठीक है। और ये क्या दे रखी है अपने को, मोटरसाइकिल दे रखी है, मोटरसाइकिल या मोटर बाइक कुछ भी कहो, मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 केजी इज रनिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर। ओके तो एक बात बताओ बच्चों, हाल फिलहाल जो अपनी मोटरसाइकिल है ये कितने की स्पीड से चल रही है, इनिशियली अपनी जो बाइक है वो कितने की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। ओके हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके ये क्या कह रहा है, अपन इस पर कितना वर्क करें बच्चों, एक बार बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है ना, अगर मैं इसके ऊपर वर्क करता हूं तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो यू मान के चलो अभी इसकी कुछ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर अपन कितना वर्क करें, अपने को कितना वर्क करें, ये वर्क निकालना है कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। ओके तो बच्चा सबसे पहले एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल पिछले लेक्चर में अपन ने एक चीज देखी थी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर जो वर्क डन है ना बच्चा, ये जो वर्क डन अपने पास में ये आता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने पास में वर्क डन के बराबर होता है। अरे नहीं समझ में आया बच्चों, अपने पास में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना ये वर्क डन के बराबर आता है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये तो लिखा हुआ है, ये वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी अपने को 40 किलोमीटर पर आवर, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी अपने को 20 किलोमीटर पर आवर, मास की वैल्यू यहां पे गिवन है और अपने को निकालना क्या है, वर्क डन निकालना। बच्चों देखो बात समझो, अरे कंफ्यूज ना हो,
इनिशियल एनर्जी, अब पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल एनर्जी है, ठीक है, पार्टिकल के पास में कुछ इनिशियल एनर्जी है, और फिर अपन ने वर्क डन किया तो अपने पास में आ गई फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी में से मैं इनिशियल एनर्जी निकाल दूं तो मेरे पास वर्क डन नहीं आएगा क्या? ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो भाई, मेरे पास कुछ इनिशियल एनर्जी है, ठीक है, मेरे पास कुछ इनिशियल एनर्जी है प्लस वर्क डन मैंने किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी? फाइनल एनर्जी। ऐसे ही तो आती है फाइनल एनर्जी कि भाई मेरे पास शुरू में कुछ एनर्जी थी, मैंने उस पर कुछ वर्क डन किया तो मेरे पास फाइनल एनर्जी आ गई। तो अगर मुझे केवल और केवल वर्क निकालना है तो वर्क क्या आ जाएगा? फाइनल एनर्जी, और ये इनिशियल एनर्जी से चली जाएगी सबट्रैक्ट में। आई होप ये समझ में आ गया होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपने पास में वर्क डन के बराबर होता है। अपने डेरिवेशन भी करके देखा था ये वाला, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, डन। ओके, अब यहां बात समझो एक छोटी सी, देखो ये चीज आई होप क्लियर हो गई। अब यहां पे अपने को जो स्पीड गिवन है ना, वो डेटा देखो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन अपना नियम क्या है? अपन वैल्यूज पुट करेंगे स्टैंडर्ड में, ठीक है, जो कि वेलोसिटी या स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है, वो है मीटर पर सेकंड, ना कि किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसे अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा काय के अंदर? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूं? तो ठीक है, देखते हैं। अरे करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर, एक बात बताओ बच्चा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 20 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर लिख सकता हूं क्या? देख लो जरा। ओके, और जो एक आर है उसमें कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स होती है। और 60 मिनट्स में कितनी सेकंड होती है? हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होती है। होती है नहीं होती? अरे बच्चों ध्यान दो, अपने पास में जो एक आर है, एक घंटा है, उसमें अपने पास होती है 60 मिनट। होती है नहीं होती? होती है। चल सर बिल्कुल आपकी बात मान गए। और जो एक मिनट होती है उसमें कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मिनट है, ये जो मिनट है, इसकी जगह मैं 60 सेकंड डाल सकता हूं क्या? यहां पे जरा यहां देखना, जो मेरे पास में ए वन आर है, ये इक्वल्स टू है 60 मिनट। तो इस 60 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट। कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट लिखूं मैं, 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट लिखूं मैं, या 1 आर इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट लिखूं, एक ही बात है ना। लेकिन बच्चा एक बात बताओ, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है नहीं होता? अरे बच्चों 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो 1 मिनट की जगह यहां मैं क्या डाल दूं? 60 सेकंड इस 1 मिनट की जगह पे। और जो 60 था ये इधर ऐसे कैसे रहेगा, और जो 1 आर है ये इधर। तो 1 आर के अंदर अपने पास में कितनी सेकंड आती है? 66 20 ऐसे कैसे 3600 सेकंड। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो जो 1 आर है इसके अंदर अपने पास में ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 या फिर 3600 सेकंड होती है, ठीक है। तो जरा इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। जिसे लिखना हो ये चीज पहले मैं एक बार लिख लो, थोड़ा सा अच्छी चीज है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बार बार अपन नहीं करेंगे रिलेशन, ठीक है। एक बार मैं करके बता रहा हूं पूरा, आगे से आपको खुद को पता होना चाहिए। 3600 सेकंड इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS है, तो इसे मैं डिवाइड कर दूं इससे, और इसे मैं डिवाइड कर दूं इससे, तो इधर तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आर, ठीक है। और इस तरफ मेरे पास कितना आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिनट डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। 20 ज्यादा होचपोच हो रहा है क्या बच्चों? ये समझ में आया? या फिर एक तो अपन ऐसे देखें, या फिर ये चीज अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो बच्चों चीजें अपने को हर वे में करनी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि फिर जो तरीका तुम्हें बेस्ट लगे तुम उसके थ्रू जाओ। यहां पे देखो 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर देंगे? 20,000 मीटर। ये देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, वो अपन ने पुट कर दिया। एक आर में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आर को अपने को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली अपन ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इसे अब सोल्व करते रहो 00 से 00, ठीक है। एक इस बार अपन बच्चा 20 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, ताकि एक जनरल चीज भी अपन देख सके क्या एग्जैक्टली। रुको, पेशेंस रखो, बताते हैं। 5 और ये आ गया 18, तो अपने पास कितना आया? 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। तो बच्चा एक चीज देखने लायक है, देखो अपने पास में जो किलोमीटर पर आर होता है ना, जो अपने पास में किलोमीटर पर आर होता है, इसे अगर अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो किलोमीटर को तो क्या कर सकते हैं अपन? 1000 मीटर। और जो आर है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकंड। और इन्हें सोल्व करने पे अपने पास क्या था? देखो 20 से 20 तो ये गए, यहां पे आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 18। तो किलोमीटर पर आर को अगर अपने कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो अपने को 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दे उसे,
ठीक है, किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, 20 किलोमीटर पर आर है, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। कुल मिला के अब ये रामायण में पूरी मिटा रहा हूं, ये मुझे समझ में आ गया कि किसी भी चीज को, किसी भी वेलोसिटी, अगर मुझे कोई किलोमीटर पर आर में कोई वेलोसिटी गिवन है या स्पीड गिवन है, उससे अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। भाई अपन ने किया क्या, किया क्या अपन ने, चलो जल्दी से एक बार बता देता हूं। देखो यहां पे बात समझो, किलोमीटर पर आर में अपने कोई चीज गिवन है, ठीक है, किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, मैंने कोई गलत चीज नहीं लिखी, जो आर है इसमें कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। यहां इसे अगर अपन सोल्व करें यूं, ये देखो तो अपने पास कुल मिला के ये 5 और ये आ गया 18, तो मेरे पास किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या आ रहा है, 5/18 आ गया ना, 5/18 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते जो किलोमीटर पर आर है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को जो एक तो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आर, एक दे रखी है फाइनल 40 किलोमीटर पर आर, तो 20 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया अपना u या फिर इनिशियल वेलोसिटी, और अपने को फाइनल कितनी चाहिए, 40 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गई अपनी फाइनल वेलोसिटी। इसे अगर अपन थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहे तो ये आ जाएगा अपने पास में 9 और ये आ जाएगा अपने पास में 10, तो 10 × 5 क्या आ जाएगा, 50/9, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 50/9। फाइनल वेलोसिटी की बात अगर मैं करूं तो ये अपने पास में 9 और ये यहाँ पे 20, तो 20 × 5 क्या आता है बताओ, 100 और ये अपॉन में 9, ये मेरे पास आ गई बच्चों फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया, और ये मीटर पर सेकंड में मेरे पास इस बार, अरे समझ में आया नहीं आया कन्वर्जन, 20 था, 20 किलोमीटर पर आर था, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर आर × 5/18, ये मीटर पर सेकंड में अपने पास में वैल्यूस आ गई। ये क्वेश्चन क्या था अब तक, शायद क्वेश्चन भूल चुके होंगे, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अपने पास में एक मोटरसाइकिल है जिसका मास 100 kg है, तो मास अपने को दे रखा 100 kg, इनिशियल उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और उसके ऊपर अपन ने कुछ वर्क डन करना चाहते हैं ताकि उसकी जो स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो वर्क डन कितना हो, तो बच्चा फॉर्मूला याद होगा, वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चा एक बात होता, इसके अंदर वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। ठीक है, तो 1/2 m की वैल्यू कितनी गिवन अपने क्वेश्चन में, 100 kg। ठीक है, और जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आर नहीं बच्चा, मीटर पर सेकंड में पुट करनी है, तो 40 किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकंड में कितनी होती है, 100/9 मीटर पर सेकंड, तो यहां कितना आ जाएगा, 100/9 का स्क्वायर माइनस 1/2। एम की वैल्यू अभी भी कितनी है, मास तो अपन ने चेंज किया नहीं, 100, और जो यू है इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आर या फिर 50/9 मीटर पर सेकंड, तो अपने को 50/9 मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करनी है, 50/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये अपने पास में इनका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा अपने पास में वर्क डन के इक्वल। अगर इसे अपन सोल्व करने लगे या खुद सोल्व कर लोगे, कुछ सोल्व, हाँ बच्चों काइनेटिक एनर्जी अपन ने देख ली थी, अब आप आगे अपन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। अच्छा, कुल मिला के अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अपने पास मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और वेलोसिटी, या दोनों। ठीक है, तो जो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होती है या स्पीड की वजह से एनर्जी होती है उसे तो अपन ने कह दिया काइनेटिक एनर्जी, और जो अपने पास में पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसे अपन ने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को साथ ले लें है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो अपने पास आती है कुल मिला के मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अब जरा पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है, देखो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, जैसे बात समझो, अगर ये कोई अपने पास में जैसे स्प्रिंग है ना, ये भी नॉर्मल लेंथ में अपनी, अब मैं इसे जबरदस्ती पकड़ के खींचूं और लंबा कर दूं इसे थोड़ा सा, जैसे यहां ही थी यही रखते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, अपन ने इसे खींच के इतना लंबा कर दिया है ना, इसे अपन ने खींच के ये एक्स लेंथ लंबा कर दिया। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को बच्चों, इसे यूं खींचने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, अरे बच्चों ध्यान दो, मुझे इसे यूं खींचने के लिए इस पे वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा मुझे। तो बच्चा अपन ने एक बात क्या कही थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन वर्क करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वर्क किया जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो बच्चा एक बात बताओ, इसे अगर मैं यूं खींचूंगा तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, अगर मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं तो इसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो जो एनर्जी बढ़ती है ना उसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना स्प्रिंग की, वो होती है 1/2 kx² के बराबर, है ना। तो x तो क्या है, x का मतलब स्प्रिंग को अपन ने कितना खींचा है, या स्प्रिंग को एक बात बताओ सिर्फ खींचने में वर्क करना पड़ता है क्या, या दबाने के लिए भी वर्क करना पड़ता है,
बताओ बताओ, स्प्रिंग को सिर्फ खींचने के लिए वर्क करना पड़ेगा या स्प्रिंग को मैं दबाता हूं तब भी मुझे वर्क करना पड़ेगा? स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को चाहे मैं कंप्रेस करूं तब भी मैं वर्क कर रहा हूं, स्प्रिंग को चाहे मैं खींच के लंबा करूं तब भी मैं वर्क कर रहा हूं। दोनों ही केसेस के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है नहीं हो रही है स्प्रिंग के अंदर? सर बिल्कुल हो रही है। और अगर बच्चों एक बात बताओ, दोनों ही केसेस के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है ना, ये वाली एनर्जी, इसे ही अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एक्स तो क्या है, एक्स तो है इलोंगेशन या कंप्रेशन इन स्प्रिंग की, स्प्रिंग को अपन ने कितना लंबा खींचा है या कितना ज्यादा उसे दबा दिया है। ठीक है, उसे अपन कहते हैं एक्स। ठीक है, इलोंगेशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग लिख लेना, एक्स इक्वल्स टू या एक्स टेंड्स फॉर इलोंगेशन, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। मतलब स्प्रिंग जितनी रेस्ट पे रहती है ना खुद से, उसको अपन कितना ज्यादा खींच लें, कितना ज्यादा दबा दे, वो अपने पास में आता है एक्स। इसके अलावा बच्चा जो के है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों एक बात बताओ, कई स्प्रिंग तो आती है पतली, उन्हें खींचना अपने लिए है आसान, कई स्प्रिंग आती है मोटी वाली है, इन्हें खींचना अपने लिए मुश्किल होता है। तो इस फैक्टर को भी अपने कंसिडर करना होता है ना, तो वो काम अपने को के कर देता है। ठीक है, जो के बताता है अपने लिए कि कोई स्प्रिंग को खींचना कितना आसान या मुश्किल है। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन देखो, अपने पास में एक क्वेश्चन है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज, ये वैल्यू दी थी 6 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, के की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6 × 10⁻³। तो चलो क्वेश्चन में लिख लेते हैं, के की वैल्यू कितनी दी थी, 6 × 10⁻³। ये तो आ गई के की वैल्यू। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्ट्रेचिंग इट बाय 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताना मेरे को, स्प्रिंग के अंदर जो भी मैं वर्क करूंगा, स्प्रिंग पे जो भी मैं वर्क करूंगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू 1/2 k² या फिर मैं कहूं वर्क डन ऑन स्प्रिंग। अरे बच्चों ध्यान दो, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आकाश से रही है, उसके ऊपर अपन जो वर्क कर रहे हैं वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बात बताओ मेरे को, जो अपन स्प्रिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं वही तो अपने पास में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो एक बात बताओ बच्चा, आपने से पूछ रहा है कि सिंपली पोटेंशियल, सॉरी वर्क डन कितना है स्प्रिंग के अंदर, तो एक बात बताओ बच्चा, मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, वही मेरा क्या है इस केस में, वर्क डन है। तो यहां देखो के की वैल्यू अपने को ये गिवन है, और ये कह क्या रहा है कि अपने कैलकुलेट द वर्क डन टू स्ट्रेच इट बाय 1 सेंटीमीटर। बच्चों वापस जो एक्स है, स्ट्रेच इट बाय 1 सेंटीमीटर, तो बच्चा एक्स की वैल्यू दे दी इसने 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अपने पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, अपन इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 / 100, तो 1/100 मीटर आ गया अपने पास में एक्स की वैल्यू। तो जो अपने पास में वर्क डन बाय स्प्रिंग है ना, वो किसके बराबर, बच्चा ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं एक और बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो बच्चों, मेरे पास स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में है, ठीक है, उसे मैं खींचता हूँ है ना, उसे मैं स्ट्रेच करता हूँ, तो उसे स्ट्रेच करने के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ मेरे को, वही तो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो मैं वर्क डन ऑन स्प्रिंग निकालू, उसे इतना खींचने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, एक बात बताना मेरे को, बराबर होंगे। तो यहां पर जो के की वैल्यू है वो अपने को दे दी, जो एक्स की वैल्यू है वो अपने को दे दी, तो जो अपने पास में वर्क डन बाय स्प्रिंग है वो कितना आ जाएगा, 1/2 k की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻³। ओके, और जो एक्स है इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 1/100। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, 10⁻³ है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा बच्चा, इसे मैं आगे लिखूं तो जरा देखना, छोटा छोटा लिखते हैं, 1/2 × 6 × 10⁻³ का मतलब है 6 के आगे 30, और ये इसे डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो 100 से 2 0 कैंसिल हो गए, 60 का यहाँ आ जाएगा 30 जूल। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, 30 जूल, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो अपने पास में जो वर्क डन अपने को करना पड़ा स्प्रिंग के ऊपर वो कितना आ गया अपना, तो वर्क डन अपने कितना करना पड़ेगा, 30। भाई एक बात बताओ, स्प्रिंग के ऊपर मैं 30 वर्क डन कर रहा हूं तो वही तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कहूं मैं या वर्क डन कहूं, एक ही बात आ जाएगी मेरे पास। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो प्लीज एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस देखो। ठीक है, जरा आगे देखते हैं। अब अगला जो चीज है, अच्छा इसे हटा देता हूं मैं एक, बता के अपने पास अच्छी खासी जगह हो जाए चीजें, अपना जो कंसेप्ट अगला वो समझने के लिए है ना, ये लो, ये बस हो गया बच्चों, हैव पेशेंस। अच्छा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि भाई स्प्रिंग को खींचने में या जो स्ट्रेच करने में वर्क मुझे करना पड़ रहा है वही उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो मैं चाहे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकालूं या मुझे वर्क कितना करना पड़ा वो मैं निकालूं, तो दोनों मेरे पास में सेम ही
रहने वाले हैं। अगली चीज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जो अपनी अर्थ की ग्रेविटी है ना, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो बच्चों एक बात बताओ, इसके लिए देखो एक सीधी सी लाइन है, इसे एक बार समझ लिया ना तुमने तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से इसे पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट इक्वल टू, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी बराबर होती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे सर क्या बोल गया आप, बच्चों देखो बात समझो, क्या क्या रहा है कि अपने पास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये होती क्या है। जैसे अगर अपने पास एक बात होता है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे अपन ने ग्राउंड पे रख रखा है, तो एक बात बताओ इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एम जी फोर्स लग रहा है। बात करी थी ना पिछले लेक्चर में कि एम मास है इस ऑब्जेक्ट का और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एम जी है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगाता है वो एम जी के बराबर फोर्स लगता है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि इस एम जी के अगेंस्ट, ये जो अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपन जो वर्क कर रहे हैं, इसके उल्टा या विपरीत अपन जो वर्क कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट जो अपन वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, एक बात बताओ, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने के लिए अपने को ऊपर की तरफ कम से कम एम जी फोर्स लगाना पड़ेगा या एम जी से थोड़ा सा बड़ा ही फोर्स लगाना पड़ेगा एटलीस्ट ऊपर की तरफ अपने को, ताकि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ऊपर तो जाए और अपन वर्क तो कर पाए। अगर एक बात बताओ, चॉकलेट वाला एग्जाम्पल याद है, तुम्हारी बहन इधर खींच रही है चॉकलेट को, तुम चॉकलेट को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, तो तुम्हारा फोर्स तुम्हारी बहन के फोर्स से थोड़ा सा बड़ा तो होना चाहिए ना, mg उसके साथ साथ में 0.00001 न्यूटन, इतना भी होगा तो भी ज्यादा तो हो ही गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो जरा आगे देख लेते हैं, ऊपर की तरफ अपना फोर्स लगा रहे हैं mg और इसे मान लीजिए अपन ने डिस्प्लेस किया h हाइट तक, इसे यहां से उठा के अपन कहां ले गए, यहां ले गए, ठीक है। तो एक बात बताओ वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, याद होगा है ना। अब यहां देखो फोर्स क्या है, फोर्स तो यहाँ पे अपने पास कितना लग रहा है mg, इसे जो थोड़ा सा ज्यादा उसे अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, वो नेग्लिजिबल है mg, और ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h के बराबर है, तो mg h। और एक बात बताओ बच्चा, ऊपर की तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो कोस ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो कोस यहाँ पे आ गया जीरो डिग्री, तो ये मेरे पास कितना आएगा mg h मल्टीप्लाइड बाय वन, तो mg h ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, mg h के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों, जरा ध्यान दो, मैं चीज वापस समझाता हूँ अच्छे से कि mg h आ कैसे रहा है मेरे पास, ठीक है, अच्छी चीज है समझ लो, अगली साल आसानी रहेगी इलेवंथ में अगर साइंस लेने का विचार है आपका तो, है ना। तो बच्चों यहां ध्यान दो, देखो अगर अपने पास में कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, इस पे एक बात बताओ, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो एम जी के बराबर लगता है। अब अपन ने बात करी थी, अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है और उसके उसको अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपने को फोर्स निकालना है तो अपन क्या करते हैं, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके लिए अपन ने एग्जांपल भी लिया था कि अगर अपने पास में मान के चलिए 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 2 kg का कोई ब्लॉक है, इसका अगर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालना तो किसके बराबर आएगा, 2 × g। ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या एक तरीके से g को हाल फिलहाल तुम लेके चलो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अपने को जो न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 इससे मतलब है, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेके चलते हैं 10। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो बेटा क्लास 9th में ग्रेविटेशन नाम से चैप्टर है जिसे जल्दी कवर करेंगे अपन, वो वीडियो जरूर देख लेना, वो ये चीजें अब आपके क्लियर हो जाएगी और भी अच्छे से कि एग्जैक्टली एम जी का सेंस क्या निकल रहा है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, ऊपर की तरफ अगर अपने को इस ऑब्जेक्ट को खींचना है तो एटलीस्ट अपना ऊपर की तरफ एम जी फोर्स तो होना ही होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ मान लेते हैं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एम जी, इससे थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उस थोड़े से बड़े को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है एम जी। अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क अपन कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए ऊपर की तरफ इतना फोर्स तो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो mg ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा और इधर इसे मान लो h हाइट तक अपन ऊपर इस ऑब्जेक्ट को ले गए। तो एक बात बताओ बच्चा, वर्क डन कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, mg फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, भाई वर्क डन होता क्या है, fs cos थीटा फोर्स है वो तो कितना हो गया अपने पास mg, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है h, और जो cos थीटा इस पर्टिकुलर केस में देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर और जो फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ, तो ये कितना आ गया cos 0, आया कि नहीं आया, तो अपने पास में जो वर्क डन है वो कितना आ गया mg h, ठीक है।
और यही एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे अपन जो वर्क करेंगे, इस ब्लॉक पे जो अपन वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं कहूँ कि वर्क डन अपन ने एमजीएच किया, या फिर इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एमजीएच हो गई। तो कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? बच्चों ध्यान दो, देखो स्प्रिंग वाले में भी यही था कि उसको खींचने के लिए अपन जितनी एनर्जी है उसके अपन उसे खींचने के लिए जितनी एनर्जी लगा रहे थे, उसे खींच के लंबा करने के लिए, एलोंगेट करने के लिए, वो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। यहाँ पे अपन ने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए जितना वर्क डन किया, इसे ऊपर उठाने के लिए जो अपन ने एनर्जी लगाई या जितना इसके ऊपर वर्क डन किया, वही तो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। आई होप ये चीज समझ में आ गई। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक कर दी अपन ने क्वेश्चन करने में, आप में से कई बच्चों ने चीज नोटिस भी कर ली होगी। बच्चा अपने पास में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या फिर जो वर्क डन अपने को स्प्रिंग पे करना पड़ा, उसके लिए जो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग जो अपन ने वर्क डन किया उसकी वजह से, वो हाफ के एक्स स्क्वायर था। और अपन ने जो भी सोल्व कर लिया बच्चा, वो हाफ के एक्स ही कर लिया केवल, है ना। तो अपन ने वहाँ एक मिस्टेक कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्स स्क्वायर पे, है ना। तो आप लोगों ने भी कईयों ने चीज़ नोटिस कर ली होगी, तो ज़रा अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं प्रॉपरली, है ना। तो बच्चों ध्यान दो, सारा का सारा कंसेप्ट सेम है, अपने को वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इक्वल्स टू गेंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या यहाँ तक बिल्कुल चीजें वो की वही है। अब बात करें अपन पोटेंशियल एनर्जी की, बच्चा तो वो काय के बराबर है, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे हाफ की वैल्यू, हाफ के की वैल्यू 6 × 10⁻³ गिवन अपने को, और अपने को जो एक्स है वो 1 सेंटीमीटर गिवन, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 × 1/100। तो इसे जब अपन सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, देखो यहाँ से बच्चा 3 × 10⁻³, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 3000 / 100 × 100, तो 100 एंड ये 2 जीरोस, तो 3 जीरोस से तो ये कैंसिल आउट हो गया अपने पास में। और ये अपने पास में क्या है, जूल, है ना, वर्क यूनिट यही तो अपने पास में, और एनर्जी यूनिट भी यही अपने पास में। तो ये अपने पास में कितना आ गया, 0.3 जूल। ओके वो अपने पास में पिछली बार 30 आ रहा था, 30 को अपन 1/100 जूल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा।